हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं बैगन की बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी। ये सब्जी बनाने के लिए हम सरसों के तेल में 5 फोरन ले लेते हैं। प्याज को यहाँ पे इस तरह से काट के फ्राई कर लेंगे। जी हाँ, इसके बाद बैगन को बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में हमें काट लेना है। अच्छे से साफ भी कर लिया उन्हें, अब हम उसे इसमें डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। जी हाँ, हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, फिर यहाँ पे स्वाद अनुसार हम नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और फिर इन्हें अच्छे से एक बार हम चला लेते हैं। जी हाँ, सब सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसमें टमाटर, जी हाँ, यहाँ पे हम टमाटर को छोटे छोटे इस तरह से काट लिया है, उन्हें भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। ये बैगन की जो सूखी सब्जी है ना, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है खाने में और इसमें बिना कोई मसाले का यूज़ किया गया है। अब इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए कुक करते, फिर इसमें हरी मिर्च भर के डाल देंगे ताकि इसमें तीखापन आ जाए बहुत ही बढ़िया से। अब इसे अच्छे से चला लेंगे सब्जियों को। ये सब्जी आप चाहे तो गरम गरम पराठा हो, रोटी हो या फिर चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और बिना झंझट के बनने वाली ये बैगन की सब्जी है। जो लोग बैगन की सब्जी नहीं खाना चाहते, वो इस तरह से बनाए, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बैगन की बहुत सारी सब्जी बनती है, तो ये उनमें से बहुत ही ईजी वे में बनी हुई एक सब्जी है, बैगन की सूखी सब्जी। तो आप भी बनाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मिलते हो।